नमस्कार, मैं नफीस अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी और स्वागत है आप सभी का ग्रामीणों की अदालत में। बात करेंगे ग्रामीणों की अदालत में यूपी के जनपद हरदोई की, जहां ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते सरकारी योजनाओं को तरस रहे सैकड़ों ग्रामीण। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए समझाने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जहां एक तरफ केंद्र व राज्य की सरकार गरीबों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, तो वहीं ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते ग्रामीण उन योजनाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। दरअसल हम बात करें विकास खंड हरियावा के टेनी ग्राम पंचायत के इमामपुर गांव की, जहां ग्राम प्रधान की खाओ कमाओ नीति के चलते आज भी सैकड़ों ग्रामीणों को आशियाना नहीं मिल सका है। जो ग्रामीण आज भी टाट और फूस की झोपड़ी में अपना जीवन गुजारने को मजबूर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह ग्राम पंचायत कागजों पर ODF भी घोषित हो चुकी है और इस ग्राम पंचायत के कई ग्रामीण शौचालय को तरस रहे, जिसके लिए उच्च अधिकारियों से कई बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से गुहार लगा चुके हैं। साथ ही इस मामले में यहाँ के ग्रामीणों का और भी क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं, तो सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ देश दीपक शुक्ला, स्वागत है आप सभी का ग्रामीणों की अदालत में। आज मैं इस समय हरियावा विकास खंड के इमामपुर गांव में, जहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, अपने पक्ष के और अगर अन्य लोगों को देख ले तो इस समस्या नहीं आएगी। हमारा गांव जो है, ये छोटा सा गांव इमामपुर गांव जो है, लगभग 600 वोटर यहाँ पे है, 600 माने लगभग 1800 आबादी, और जिसमें कम से कम आवास मिले, हैंडपम्प की व्यवस्था बहुत कम है, शौचालय भी बने हैं अधूरे, पूरे नहीं बन पाए हैं। और अभी जिन लोगों को पैसा दिया भी गया है 12,000 रुपया, कुछ ने बनाया कुछ नहीं बनाए हैं, तो उनको देखना चाहिए था प्रधान को, हमारा क्या नहीं बना क्या नहीं बनाया है उनको देखना चाहिए था। ऐसा है, पर एक तरीके से मोटिवेशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से, ये कुछ हो जाए तो हमारा अच्छा हो सकता है। दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ पे 70% लोग जो है 70% गरीब लोग हैं, 20% रोटी खाते हैं प्रेम से या कुछ मुश्किल से खाते हैं, 70% मजदूरी पर ही डिपेंड करते हैं ये सब यहाँ पे। हम लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारे गांव का विकास हो। अरे, इस संबंधित आपने कहीं शिकायत दर्ज करवाई? देखिए, हम लोग शिकायत करते करते बहुत थक चुके हैं, हम लोगों ने शिकायतों का अंबार लगा दिया था, अब शिकायत करना बंद कर दिया, चूंकि हम थक जाते करते करते शिकायत। तुम्हारे गांव से मनरेगा के तहत कितने आदमियों को काम मिलता है महीने? मनरेगा में काम हमारे गांव से मिलता है, और मनरेगा काम में क्या होता है वहाँ से सब पता चला, उसके 40 मजदूरी की उसने 40 में उसको 500 रुपया दे दिया गया, या वो अपने खुद चढ़ा लेते हैं लेबर, प्रधान अपने पक्ष के लेबर चढ़ा लेता है, मजदूर उनको दे जाता है, जिनका जाप काटवाना उनको मजदूर नहीं मिल पाती है यहाँ ज़्यादातर। भैया आप दो ही जगह कहीं, हमें तो मतलब यहाँ कोई आवास नहीं मिला, क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है, इस संबंधित अधिकारी से आपने शिकायत की? हाँ, शिकायत की। क्या बताया अधिकारी ने, क्या नहीं दे रहा है? शौचालय वगैरह बनता ही नहीं, शौचालय है कुछ नहीं है, मतलब कुछ ही नहीं। आप यहाँ मिलेगा क्या? हम लोग गरीब आदमी हैं, मजदूरी करके खाते हैं, बड़े लोग यहाँ आते हैं 100-200 रुपए ले जाते, कहते हैं ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे, तुम्हारे जो आते हैं कर्मचारी लोग, अब हमको क्या मालूम सर कहाँ के कर्मचारी हैं, हम तो अपना मजदूरी करते हैं। संबंध में अपने जो प्रधान है, ग्राम पंचायत प्रधान, हाँ प्रधान जी हैं, वो भी हमारे गांव को भी नहीं आते हैं, कभी 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 नहीं आते हैं प्रधान। हमने एक बार नल भी को कहा था, हमने कही सर एक प्रधान जी हमको नल दी दिया, यहाँ आते हैं लोग, किसी को नहीं मोहरे पे पाया तो आदमी लौट जाता है, और पानी पीने के लिए अंदर से भर के दो आके, सरकारी नल तक नहीं मिला सर यहाँ, क्यों नहीं मिला? प्रधान कहते हैं हम अपना मोबाइल नंबर दो, मोबाइल नंबर सबको दो, प्रधान क्यों नहीं देते? प्रधान राम मोहन। ग्रामीण की अदालत में फिलहाल इतना ही, बाकी और भी ऐसे इन तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 9 लाइव टीवी पर। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।